नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप ये सड़क जो देख रहे हैं, जो बुरा हाल है, ये सड़क है अटेली से महेंद्रगढ़ या महेंद्रगढ़ से अटेली कह सकते हैं, जिसका बड़ा बुरा हाल है। पिछले लंबे समय से, काफ़ी समय हो गया बने हुए भी और काफ़ी समय हो गया वाहनों को अपने बुरा हाल करते देखते हुए भी, काफ़ी एक्सीडेंट लगातार यहाँ होते हैं। इतने गड्ढे हैं जिनका कोई कहना नहीं है। इस हाईवे की, इस रोड की अगर बात करें तो इस पे एक तो 148 भी आप जानते हैं अभी बना है, जो महेंद्रगढ़ नारनौल दादरी आगे भिवानी तक जाता है, 148 भी है। उसके बाद अगर बात करें एक 152 डी ग्रीन कॉरिडोर जो नारनौल से अंबाला और आगे चंडीगढ़ को जोड़ता है। उसके बाद अगर बात करें अटेली में स्टेट हाईवे नंबर 11 भी है, जो जयपुर से लेके और दिल्ली को जोड़ता है। तो यहाँ के लोगों के द्वारा आज प्रदर्शन किया जा रहा है, किस प्रकार से सड़क नहीं बन रही, बड़ा ही बुरा हाल यहाँ का है। और सड़क बनाने को लेके बलवान फौजी भी यहाँ है और गांव के लोग भी यहाँ है कि भाई सड़क बनाई जानी चाहिए। लंबे समय से सड़क यहाँ पे नहीं बनी है, लोगों के वाहन टूटते हैं, लोगों को समस्याएं होती हैं, लोगों को रास्ता तक बदलना यहाँ पे पड़ता है। अब आप यहाँ देखें कि मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, क्यों? क्योंकि सड़कें नहीं है। बीजेपी सरकार कहती है कि हमने सड़कें बना दी है, बहुत सी सड़कें बनी भी हैं, लेकिन इस सड़क का पिछले काफी लंबे समय से कुछ भी नहीं हुआ। जर्जर हाल है, ना पेचवर्क है, ना आने वाले समय में लग रहा कि ये सड़क बनेगी। तो फौजी साहब इनसे बातचीत कर लेते हैं। राम राम फौजी भाई। राम राम जी। राम राम। क्या हालचाल है? आज किसकी हाय हाय कर दी? हाय हाय तो जी पूरे महेंद्रगढ़ में चली हुई है, यहाँ कोई धनी धोरी है नहीं। आए दिन किसी भी रोड पे चले जाओ, ठेकेदार आधा अधूरा काम करके छोड़ जाता है। और जब महेंद्रगढ़ का शुरू होती है बॉर्डर, वहीं से ठेकेदार अपने आप ही सब कुछ छोड़ जाता है, ना कोई बोलने वाला, ना कोई चलने वाला, ना कोई देखने वाला, ना कोई करने वाला। आए दिन कहीं भी किसी भी एरिया में चले जाओ, चाहे बेरी वाला चले जाओ, पल गडानिया वाले में चले जाओ, चाहे आप नांगल सरोई वाले में चले जाओ, बूचोली वाले रोड में चले जाओ, माजरा वाले में चले जाओ, आकोदा वाले में चले जाओ, कुरावटा वाले में चले जाओ, नंगड़ा में चले जाओ, कहीं चले जाओ, सतनाली में, श्यामपुरा में, सब जगह ऐसा ही हाल है। क्योंकि यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है, फिर भी कुछ बोल बाल के रोड़ा राड़ा घाल करके मैं छोटो मोटो करवावा सा, उनके बाद ये बीच में एंडा बट्टी करने लग जाए। अब मैंने ये रोड जो अटेली मोड़ से लेकर के दोंगड़ा तक, ये हमारा रोड आगे आ जाओ चामदेड़ा देवनगर गांव आता है, उसके बाद ये जासास आता है, ऊंची भांडोर आता है, भाड़खी आता है, उसके बाद हमारा आगे आगे के रोड आप देखो सब फिट फोर है। इधर 148 भी स्टेट हाईवे है। हाँ, ये ग्रीन कॉरिडोर अंबाला तक जाता है 152 डी, उसके आगे नेशनल हाईवे 11 नंबर भी आता है। तो ये चारों तरफ है, सिर्फ हमारे बीच में नहीं है। दूसरी चीज ये जो मैं अभी जे हिसाब से तुरंत बात करूंगा और उससे ये पूछना है कि भाई आप मुझे ये बता दो हमारे एरिया का रोड क्यों छोड़ दिया? अधिकारी दुखी हो लिया होगा फौजी से? फौजी से दुखी हो चाहे ना हो, अगर अधिकारी मानेगा तो ठीक, सर दुखी हींगा तो बलवान फौजी और दुखी करेगा। फौजी आदमी से काम कर दो भाई, भाई हम काम चाहो ऐसा काम कर दो, काम खत्म करो, फोन करो। और ये रोड पे आकर पूछो कितना आदमी जो गड्ढा में, भाई साहब जैसे थोड़ी सी कहीं साइड देनी पड़े तो गड्ढा में आएगा, गदड़ दे नीचे पड़ी सी, कोई बीरबानिया के साथ, कोई कहतरा, कोई आदमी अपना दूध का टैंक लेकर जा रहे, ऐसी कोई कहतरा से बताओ, लेडीज जो आ रही है स्कूटी बेचारी वह तरह कम चलानी है, ऊपर से हुआ ये गड्ढा और उन्होंने कर दी है। लोगों ने रास्ता बदल लिया है, रास्ता बदल लिया जी। अभी मैं जय एक बार शांत रही भाई पूरा अभी जय साहब से फोन करेंगे। और यहाँ भाई साहब कहाँ से आप? मैं तो बीजेपुरी डेयरी से हूँ। संदीप सर, यहाँ रहते हैं क्या? संदीप ये इनसे मैनेजर, आप ये रहते हैं? हमारा दूध का प्लांट है यहाँ, बीजेपुरी डेयरी। तो यहाँ दूध आता होगा गाड़ियों से? हाँ जी सर। फोन लग गया, अभी बात करते हैं भाई। फोन लग गया जी साहब के साथ, पास क्या कुछ कहते हैं वो आप लोग सुने, कब ये सड़क बनेगी, कब नहीं, क्या होगा। छोड़ दे काम करवाना भाई।
दूसरा नंबर बता दो कोई। अभी तो उठा नहीं रही, अभी उठाएंगे उठाएंगे, बात करेंगे, हो सकता है बात करके अधिकारी। भाई साहब आप लोग यहीं से हैं क्या? बाहर से। बाहर से हो तो यहाँ क्या करने आए हो? साहब दूध देने आया। दूध दे तो रोज आओ जो एक बार रोज आज दोनों से रस तुम रोज कति खराब से। कति खराब मन करे सान को नहीं ना कति ना करे कति नहीं करे गड्डी का भी बुरा हाल हो जाता है। बुरा मजबूरी में आना पड़ा। कितने समय से हाल है ये? तो साहब हम तो आठ एक साल है, ये एक साल से तो कंटिन्यू ऐसे ही है साहब। जी भाई साहब आप कहाँ से? नीमराणा से। तो वहाँ से दूध लेके आते हैं डेली सुबह शाम दूध लेकर? अच्छा जी, तो नीमराणा से यहाँ आते हो तो ये टूटता हुआ मीटर कैसा लगता? सब मजबूरी रहेगी कि अगर मजबूरी दिल्ली अधिकारी तो गाड़ी काटना सा सुबह शाम ऐसी बुंडी बुंडी मन में आवश्यक शाम आ जाए तो दोबारा तक डेली काम कर दी ऐसा एक एक गाड़ा एक दिन तुम्हारी गाड़ी को टायर निकल के भागो इतना ऊँडो खड़ो। अच्छा जी, भगा के लानी पड़े दूध रहे दूध टाइम पर ना पता खट्टो हो जाए मार हुआ इधर दबा हो रहे। बड़ी भारी समस्या, बहुत गंभीर समस्या है। संदीप जी सबसे ज्यादा आपके पास तो बहुत से व्हीकल्स आते होंगे? हाँ जी सर, हमारा यहाँ पे दूध का काम है, लेट भी हो जाता है, दूध लेट आता है और खट्टा हो जाता है, उस वजह से किसानों का ज्यादा नुकसान होता है, हमारी भी क्वालिटी डाउन जाती है। अगर रोड अच्छा होता तो गाड़ियाँ 30 मिनट पहले जाती, हमारा काम भी नहीं होगा। गाड़ियों का भी नुकसान होता है पर सबसे ज्यादा क्वालिटी का नुकसान होता है, लोगों के खट्टे कैन वापस जाते हैं इसमें ज्यादा नुकसान होता है और हमारी भी क्वालिटी लो जाती है। कितने समय से हैं आप यहाँ? यहाँ पे सर हम 6 महीने से हैं। 6 महीने से ऐसा ही हाल है? हाँ जी सर, 6 महीने से हाल दिन पर दिन बदतर ही होता जा रहा है, जर्जर हो चुकी है सड़क जी। बिल्कुल सर, हम भी गाड़ी लेके आते हैं विजिट के लिए यहाँ पे, तो हम भी देखते हैं कि हाईवे पे पीछे से तो बहुत अच्छा रोड है, हाईवे पे आगे यहाँ पे आके बिल्कुल डाउन गियर में गाड़ी चलानी पड़ती है खड्डों में। पर यह है कि रोड सही हो जाएगा तो किसानों को बहुत फायदा होगा, सब इंडस्ट्री से जुड़े हैं कि हर किसी की अपनी अपनी मजबूरियां होती हैं, किसी को जल्दी जाना, किसी के कच्चे माल का धंधा है बन जाए तो, और देखा जाए तो इंडिया में अभी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो चुका है हमारा, बस ये लोकल रोड है थोड़े और अच्छे हो जाए तो आम जनता को और सहूलियत हो जाएगी, बच्चे भी कॉलेज जाते हैं। हाँ सबका, सभी रोड से जुड़े हैं आजकल, सबके घर साधन है, कोई अपनी बाइक से जाता है, कोई कैसे जाता है, कोई गिर जाए नुकसान है, ये सब है। थैंक यू सर। चलो तो भाई रोड जो है सड़क वो रियल में बुरा हाल है, क्या हाल है सरपंच साहब? ठीक हो? ये भाई है भाई सरपंच प्रतिनिधि है उसी बांडोर मेरे गांव से, तो क्या हाल चाल है, रोज निकलते हो? हाल चाल बहुत बुरा हाल से, मन करता है यहाँ से ना, मन तो मतलब ही बोलना और निकलो काम से कोई। कितने समय से है आप अगर पुराने आदमी है? समय तो होगा मेरे ख्याल से 10-15 साल पहले, कोई नहीं चल रहा उसका। 15 साल पहले बना? बना ही नहीं, एक बार बना था, दो बार बना ही नहीं। किसकी सरकार थी जब बना था? जब बना जब कांग्रेस सरकार, कांग्रेस था। 10 साल से तो बीजेपी है, 10 साल में बीजेपी ना के नहीं खोली, आंख ना खोली, देखे को नौरान के वजह से पता नहीं के घटना से कोई भाई पता नहीं मारते कोई गलती होगी, गाँव ने कहीं बीजेपी को वोट नहीं दिया वैसा हो सकता। नहीं वोट भी देते हैं आप भी दे रहे हैं लेकिन पता नहीं के कारण से, और जो मतदाता की समझ में नहीं आई क्यों वोट दे रहे जी। लोग दादरी की साइड में परलिथर मेरी जो अभी आ रहा है सांसद उसको विरोध भी कर रहे हैं लेकिन हमारे वाले विरोध भी नहीं करते इसका, बिल्कुल आदर सत्कार करते हैं, चाय बनाए पिलाते हैं, काम नहीं करते वो। तो ये मतलब निकलने लायक सड़क है नहीं? ना निकलने लायक नहीं है, बुरा हाल है। बहुत बुरा हाल है। कहीं आप लोग भी निकलते हो कहीं आगे आपने कोई एप्लीकेशन वगैरह कुछ? नहीं एप्लीकेशन पीछे मैं जो साहब से बात भी करी थी, मैंने जेई से बात करी थी, उन्हें कहा था भाई ये रोड की हमारी के प्रॉब्लम क्यों नहीं कर रहा, तो वो ये कह रहे जल्दी शुरू हो जाएगा, वो जल्दी कब हो जाएगा? बोले वैसे टेंडर भी हो लिया, 3-3 फुट कर भी दिया है लेकिन करेंगे, लेकिन हुआ नहीं, सच्चाई है ना, रोड दिख रहे दुनिया ने आंधा ने भी दिख जाए यार भाई, बनाई को घो घो बुंडो हाल से भाई। हाँ बस तो बिल्कुल बढ़िया रोड है, 2-3 हत्या हो चुकी है इस गाँव पे गाँव में, ठीक है, 10 साल पिछला 10 साल से रोड की ऐसी हालत हो चुकी है। हम तो सही पूछो तो ये मतलब हमारा मन ये है कि हम किसी भी पार्टी को वोट ना दें, और वोट दें तो वो उस पार्टी को दे जो काम करे हमारे, ऐसा तो शायद कोई, ठीक है जी, जो काम करेगा उसके लिए वोट देंगे जी।
आपके गांव से उधर शायद पेचवर का काम हुआ है अभी? नहीं सर, थोड़ा बहुत अभी 15-20 दिन में थोड़ा बहुत काम हुआ है, बाकी ये महेंद्रगढ़ से लेकर अटेली तक का रोड बहुत बुरा है। बुरा हाल है? हाँ जी बिल्कुल। अपना एसडीओ पीडब्ल्यू डी का गजेंद्र है ना, ये भी कौन सा बदलते रहते हैं, हीरा लाल शर्मा या गाड़ियां तो पटा अलाइनमेंट सारी तीसरे दिन खड़ी करनी पड़ी। मन नहीं करे रोड, मन तो क्या कर, परसों एक डिलीवरी केस गयो था, वो चाम देड़ा पूछो वो डिलीवरी है दम्मे आएगी। रोड बहुत जोर गए अपने, हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं है, सरकार और रोड की तो कमी को ना। अच्छा, इतना कड़ा रही है अपना तो रोज गाना जाना होगा इधर से, रोज गाना जाना मजबूरी थी, मजबूरी है हमें लगता है कि पढ़ना चाहिए भाई। जरूर भाई, बार समस्या हो या सुबह माना जाना शाम ना आना, दिल्ली का रूटीन हमारा तो ऑफिस का, तो परेशानी तो हमने पाओ है सारी यार, साधन भी हमारा तो खराब हो गए सारे, साथ से पूछो तो इन चीज़ें रोड व्हीकल भी खराब हो रहे हैं, प्लस निकलने के लिए जगह भी नहीं मिलती, बहुत से कंडे वगैरह भी हैं। और यहाँ अभी क्या है जी, कोई सरकार को कोई बताना है कुछ और बातचीत हो क्या करना है? सरकार को ये बताना है, मैंने अभी सभी के माध्यम से अटेली मोड़ जो 148 बी से लेकर के और ये आगे क्या बोलते हैं दोंगड़ा तक, ये रोड अगर सरकार की कोई टेंडर की प्रक्रिया है या पहले भी कैंसिल हो चुका है वन विभाग के माध्यम से, अगर कोई टेंडर की प्रक्रिया है तो ठीक है, हम आचार संहिता तक वेट करने के लिए तैयार है, लेकिन ये जो पेचवर्क है ये सरकार का है, उसमें कोई रोल नहीं होता, वो डिपार्टमेंट करता है। ये बनाई नहीं, कोई बात नहीं, वो तो नहीं बनवाई, जब ही तो फिर महाराज जिसा रोड उगाल रहसी, और जब ही महाराज जिसा को नंबर आओगो क्यों ये किमी करी तो हाथ को ना लोग बना रहसी दे रहसी, लेकिन ई बन कने एक फौजी आयो जो सिर्फ काम की बात करे से रोड पर खड़े हो रहे से। एक बार मैं ये गारंटी आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूँ, ये तो अधिकारी ने अभी फोन उठाया के तो वापिस आ जाएगा, आज संडे भी है, लेकिन इसी के जो पीडब्ल्यूडी के एक्शन ने एक बार मेरे को लावन रोड पे मालड़ा रोड पे ये कहा था कि आप एहसान मानो मैं संडे को भी हाजिर हूँ, तो उसकी छोल तारी थी रूं के बाद वो बेचारो एक फोन करता है पहला काम करे, मेरे को मतलब ये है कि मेरा काम करो बस, और मैं मेरा घर को काम नहीं करवा रहा हूँ, ये सार्वजनिक काम है, इसमें कितने लोग ये बता रहा दोंगड़ा हिरवाड़ा हमारा चार तो मर लिया है रोड से, हजारों लोग निकलते हैं। तो कहने का मेन मकसद है अगले दो दिन के अंदर अंदर अभी सीधा मैं पीडब्ल्यूडी विभाग में जाऊंगा, संडे हो ची कुछ भी हो, और वहां जाकर के उससे ये लिखित में लूंगा कि अगले दो दिन में ये पैचवर्क का काम खत्म होना चाहिए, शुरू नहीं खत्म होना चाहिए, अगर नहीं करता है पैचवर का काम तो मैं दो दिन बाद मंगलवार है आज और कल, मंगलवार को डीसी साहब के यहाँ ये सारे के सारे बंदे लेकर के और डीसी साहब के दरबार में पूछ के ना, और जब तक बैठा रहूंगा तब तक ये काम वहीं से चालू ना करवा दो, वहीं पे आंदोलन करेंगे, वहीं पे अपना तो काम सीधा है, फौज में शहीद ना आया उरे आऊंगा लोगा हतर शहीद आऊंगा। मैंने पता है मेरा जो पागलपन है वो क्या है, सबसे बड़ा पागल देशभक्त फौजी होता है जो सब किमी त्याग पे बॉर्डर पे नू खड़े हो रह सके, मेरा देश कैसे तिरंगो कैसे सुरक्षित रहे, और वही चीज जब उठे सी ट्रेनिंग करे ओडी से तो उरा हमने कोई रोक सके, खून में तो वही से, अरे इलाको ही अलग तो वो बॉर्डर तो यो तो मारो बॉर्डर से, लोग मरने लग रहे उन बचाउन खातर से आतंकवादियां से, लोग अपना ही तो बचाया करता। तो कहने का एक मेन मकसद ये है कि आने वाले टाइम में दो दिन के अंदर ये सारा खड़े है जी, अगर ये पेचवर को काम नहीं है तो बलवान फौजी वोट मांगने नहीं आओ अपनी विधानसभा का, ऐसी बड़ी कुछ नहीं। तो जैसा आप देख रहे हैं पीछे रोडवेज भी आई है और हजारों बच्चे जाते हैं स्कूलों में कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज भी है प्राइवेट कॉलेज भी है, क्योंकि एजुकेशन का हब यहाँ पे महेंद्रगढ़ है, और रास्ता है उसका बुरा हाल है, आप एक बार दिखा दें। और यहाँ पे गाँव के लोगों ने, सरपंच भी मौजूद थे बलवान फौजी ने, यहाँ पे आज कहा है कि दो दिन में अगर पेचवर का काम नहीं होता है तो मंगलवार को डीसी के दरबार में जाएंगे, और जब तक वहां रहेंगे तब तक ये काम शुरू नहीं हो जाएगा। तो एक बड़ा ही बुरा हाल इस सड़क का है, आप अगर इस सड़क से गुजरते हैं तो इस सड़क का हाल बताएं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और ज्यादा से ज्यादा
मंगलवार को डीसी के दरबार में जरूर पहुंचे अगर आप सड़क बनवाना चाहते हैं। तो देखते रहें इंडिया न्यूज 60। नमस्कार, धन्यवाद।